स्टॉक मार्केट में निवेश करते हुए हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम ग्रोथ स्टॉक में निवेश करें, लेकिन अभी ग्रोथ स्टॉक क्या है अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो आप में से कुछ नए निवेशक ये जरूर बोल सकते हैं कि जिन स्टॉक्स में लगातार अपर सर्किट लगता है तो वो एक तरीके के ग्रोथ स्टॉक है। लेकिन मेरे दोस्त, इस तरीके के स्टॉक्स कभी ग्रोथ स्टॉक नहीं होते। एक्चुअल में ग्रोथ स्टॉक का मतलब ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कई कारणों की वजह से, जिसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उन कारणों की वजह से उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। अगर थोड़ा ढंग से समझे तो जिन कंपनीज के पास अच्छे इनोवेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं और जो अपने साथी कॉम्पिटिटर से ज्यादा तेजी से मार्केट में अपनी पकड़ बनाते हैं, इसी के साथ उन कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा फायदा मिल रहा हो मार्केट से, मतलब कुल मिला के ऐसी कंपनीज जो नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए और करंट टेक्नोलॉजी से ज्यादा कुशल भी हो, इन सब चीजों से कंपनी को दूसरी कंपनियों पर बढ़त भी मिलती है। देखिए, खबरों के प्रभाव से या उनके आधार पर, साथ ही स्टॉक ऑपरेटर के खेल से स्टॉक कुछ समय के लिए ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ही टिकती है और ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में अपनी कॉम्पिटिटर की तुलना में एक बेहतर और तेज रिटर्न जनरेट करती है। लॉन्ग टर्म मतलब 10-15-20 साल। अब सवाल यह आता है कि ग्रोथ स्टॉक को पहचाने कैसे। देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जो होती है ना, वो आमतौर पर हाई प्राइस पर ट्रेड करती हुई मिलती है और मार्केट अपने किसी भी फेज में क्यों ना हो, मतलब मार्केट चाहे नॉर्मल चल रहा हो या कुछ नीचे आ चुका हो, इस तरीके के स्टॉक्स आपको हमेशा महंगे लग सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स की खास बात ये भी होती है कि ये डिविडेंड अनाउंस नहीं करते कभी, या अगर कभी करते भी हैं तो बहुत नॉमिनल या इतना कम कि आपको इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों करती हैं कंपनियां? इसका कारण बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये कंपनियां आमतौर पर अपने सरप्लस कैश को खुद में ही रीइन्वेस्ट करती हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसे काम में लाती है, क्योंकि डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर धारकों को छोटा मोटा पैसा बांटने से बढ़िया उनको हाई रिटर्न जनरेट करवाने में बिलीव करती है। इसलिए आम इन्वेस्टर्स जो ऐसे शेयर्स में बने रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में इनके प्राइस बढ़ने से एक अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। अब आप ये चीज बिल्कुल सोच सकते हैं कि जब वो कंपनी बनी होगी और जब लिस्ट हुई होगी मार्केट में, तो उनको कैसे पहचाना जाए कि ये एक ग्रोथ स्टॉक कंपनी है, क्योंकि हर कोई कंपनी तो बिल्कुल नीचे से ही शुरू करती है, तो उस टाइम तो उसके पीई या पीई बाय एबिटा या फिर बुक वैल्यू उसके कॉम्पिटिटर की तुलना में ज्यादा होंगे नहीं, तो फिर ऐसे में हम उनको पहचाने कैसे। तो वैसे तो आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, ग्रोथ स्टॉक से मतलब हमेशा ऐसे स्टॉक से होगा जो लंबे समय से बार बार, हर बार और लगातार अपने आप को प्रूफ करता हुआ आ रहा हूं और सालों से मिलती हुई सफलता के बावजूद मार्केट में अपने हाई वैल्यूएशन और हाई पीई को जस्टिफाई करते हुए लगातार कई पीढ़ियों के निवेशकों का निवेश उस इक्विटी में मिलता जा रहा है। उम्मीद है ग्रोथ स्टॉक क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इन सब की एक मिली जुली डेफिनेशन आपको इस वीडियो से समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करके शेयर कर देना। मेरा नाम अमित ढोंडियाल और मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।